evil. जिब्रील कहते हैं अल्लाह ने फरमाया है नादे अलीयन, अली को पुकारो। जब अल्लाह के हुक्म से नबी अली को पुकारे तो हमें पुकारते हुए तकलीफ होती है अली को। नारा है हैदरी। जब अल्लाह का नबी अली को पुकारता है जब खुदा का नबी अली अली करता है, जब जिब्रील अली अली करता है, जब खुदा हुक्म देता है अली अली पुकारो, हम क्यों न पुकारें। बस मौला अली शेरे खुदा को पुकारा, अली उछल के आए, छलांग लगा के आए, हुजूर में हाजिर हूं। फरमाया ये अमर इब्ने अब्दुबुद है जो अकेला 1000 से लड़ा करता है, आज तुम अकेले उस अकेले के साथ लड़ो। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। अली शेर खुदा ने तलवार लहराई, मैदान में जब निकले तो मेरे नबी ने अली की चाल देखी, खुश होके हुजूर ने फरमाया बरसल ईमान कुल्लहू महल कुफरे कुल्लही। आज सारे का सारा ईमान सारे के सारे कुफर के मुकाबले में जा रहा है। अली पाक को हुजूर ने कुल्ले ईमान कहा। क्या कहा? कुल्ले ईमान, सारा ईमान, पूरा ईमान। अली आधा ईमान नहीं, पूरा ईमान है। ये खिताब नबी ने दिया। मेरे नबी ने फरमाया अली कुल्ले ईमान है, अली कुल्ले ईमान है। और वो अब अमर बिन अब्दुबुद को आपने कुल्ले कुफर कहा, मतलब क्या था कि अगर वो काफिर हार गया तो सारा कुफर हार जाएगा, और अगर अली हार गया तो सारा ईमान हार जाएगा। ईमान हार नहीं सकता, लिहाजा अली कभी नहीं हार सकता, अली कभी शिकस्त नहीं खा सकता। मौला अली शेर खुदा ने कहा तू मुझ पे हमला कर, आपकी आदत ही हमले में पहल नहीं करती। उसने कहा अली तू अपना जोर दिखा ले, जब मैंने हमला किया तो तू हमला किस पर करेगा, बात खत्म हो जाएगी। आपने फरमाया नहीं, मेरा नाम अली है, मैं कभी पहल नहीं किया करता, तू पहल कर। वो गुस्से में आया, उसने आप पर हमला किया, आपने ढाल आगे रख दी, उसकी तलवार के टुकड़े हो गए, फिर भागने लगा। आपने फरमाया अली की तलवार से कोई बच नहीं सकता, आप लहराए और उसको घेरे में लेकर एक ऐसा वार किया, सर पे लोहे का खौद था, लोहे का लिबास पांव तक पहना हुआ था। अली की तलवार ने खौद को काटा, मगफर काटा, सर काटा, गला काटा, सीना काटा, उसके जिस्म के 2 टुकड़े किए, उसके घोड़े के भी 2 टुकड़े कर दिए। अली वो शेर खुदा है, अली वो शेर खुदा है जिसकी तलवार की काट देकर आसमान पे फरिश्तों ने मरहबा कहा, जमीन पे मुस्तफा की जबान हरकत में आई। हुजूर ने फरमाया ज़र्बत अली यौम अल-खंदक अफ़ज़लु मिन इबादत सकलैन, अली तेरी तलवार का एक बार सकलैन के इबादत से अफ़ज़ल है। फिर जलाल इमाम मुबीन को थाम लो आकर जमीन को, सरसे चली तो सीन पे आकर ठहर गई, सीने पे सांस दे के जिगर में उतर गई, निकली।